स्टेबल ही पुढे चालते तिच्या ही नेहमी ए दोस्त 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 जानवी जानवी यहाँ पे पहला फोटो जानवी जानवी फोटो ये विनोद भाई साइड से क्या यार आड़े जानवी शान आड़े में सेंटर में आड़े में आड़े आड़ा करना हाँ सेंटर में आना मेरे पीछे यहाँ पे जानवी यहाँ पे सेंटर में वाला मेरे पास नहीं देखा यहाँ पे ईशान यहाँ पे ईशान यहाँ पे सोलो सोलो सबका सोलो जानवी यहाँ पे जानवी इकड़े जानवी इकड़े इकड़े ईशान सेंटर सेंटर ईशान इधर इधर ईशान यहाँ पे ईशान 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 लेके वेस्टिंग बुज आया हुआ हूँ हमारे साथ मेघना पुरी मेघना घाई पुरी है मैं वेस्टिंग बुज का एलुमनाई हूँ मैं वेस्टिंग बुज का जो फर्स्ट बैच था वहाँ से पास आउट हुआ था और जितनी भी मैंने फिल्में बनाई हैं ऑनर एंड फॉर्चून टू कम बैक विद होपफुली इन अ स्मॉल वे एनकरेज देम मोटिवेट देम एंड हेल्प देम फॉलो देयर ड्रीम्स एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे साथ आज जानवी और ईशान मेरे साथ आए हैं हम अपनी फिल्म धड़क को लेके बच्चों के साथ बात करने आए थे उनके कुछ सवालों को एड्रेस करने जस्ट एक हमारी जो जर्नी रही है उसे शेयर करने एंड या इट्स ऑलवेज ग्रेट कमिंग बैक टू वेस्टिंग बुज बिकॉज एज समथिंग एज समवन हु हैज लर्न सो मच ओवर हियर इफ आई कैन गिव बैक इन अ स्मॉल वे इट विल बी द लीस्ट आई कैन डू फॉर ऑल द किड्स First of all, congratulations for Tara. Thank you. So I wanted to ask you कि कभी ऐसा हुआ कि set पे you both cried because something was so difficult या शशांक का डांट पिटी या you were not getting something right did you ever cry? डांट पिटी no pity no. पीट के भी no I don't think there was any such moment yeah हमने इनको इतना रिहर्स करवा दिया था कि अगर ये सेट पे जाके बोलते ना कि ये नहीं हो रहा है तो मैं उनको लेक पिचोला में धक्का मार दूंगा और किसी और को कास्ट कर दूंगा कुछ नहीं करी कौन सा बायोपिक है मूविंग ऑन मैम आप दोनों इतने जबरदस्त कलाकार हैं आपके एक्टिंग के बहुत फैंस हो गए हैं और यहाँ पर जब आप लोग पहुंचे तो क्या रिस्पांस था क्योंकि जो यंग क्राउड है पूरा का पूरा वो यहाँ पर है जो सीख रहा है फिल्म बनाना एक्टिंग करना फिल्म मेकिंग कुछ बताइए कैसा रहा आप दोनों का ये एक्चुअली हमारे लिए हम सब के लिए आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर एवरीवन सबसे मज़ेदार इंटरेक्शन रहा है क्योंकि यू नो यू कैन टेल दैट दे आर आल्सो इंटरेस्टेड एंड दे आर आस्किंग सच इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दैट आर मेकिंग अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट तो हाँ बहुत प्यार मिला है यहाँ सब लोगों से और होपफुली मिलता रहेगा आगे के काम के भी बाद सीखने के लिए नहीं मैम पता नहीं लेकिन इंटरेक्शन करने में बहुत मज़ा आया बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों से बात करते हैं जो फिल्मों के शौकीन हैं जो फिल्मों के बारे में सीखना चाहते हैं हम खुद अब हमारे अपने आप को स्टूडेंट्स मानते हैं शशांक का एक रिश्ता है वो जुड़े हुए हैं स्कूल से तो हमारे लिए ज़ाहिर है बहुत ही स्पेशल है तो बहुत ही एक्साइटेड थे जब आए लेकिन मुझे लगता है कि उम्मीदों के भी पार एक्सपीरियंस रहा क्योंकि बहुत मज़ा आया बहुत खुल के बात की सबसे फिल्म के बारे में हमने ऐसे इंसिडेंट शेयर किए हैं ऐसी बातें की हैं जो हम पहले शायद नहीं कर पाए क्योंकि फिल्म के प्रमोशन के दौरान उसकी कहानी को प्रोटेक्ट करके रखना हमारी जिम्मेदारी थी
लेकिन इस बार आई थिंक एक नया एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही कमाल का। और हम प्रोसेस के बारे में बात कर पाए, जो कुछ हमारी लर्निंग्स थी विस्टिंगवुड में, जो हमें सीखा था और फिर कैसे मैंने उन चीज़ों को यूज़ किया है अपनी सब फिल्मों में। इनके साथ काफ़ी ऐसे वाक्य हैं जो मैंने शेयर किए हैं, जो प्रोसेसेस में सीखा था वो इनके साथ यूज़ किया है और आज हम उनके साथ डिस्कस कर पाए। काफ़ी बच्चे थे जो डायरेक्शन स्टूडेंट्स हैं, वो पूछ रहे थे कि आपने ये शॉट कैसे लिया, कैसे कंसीव किया। काफ़ी एक्टिंग स्टूडेंट्स थे जो मेरे से और इन दोनों से जानना चाहते थे कि जो इमोशंस थे हम उसमें कैसे अपने आप को कमिट कर रहे थे। तो आई थिंक बहुत एनरिचिंग कॉन्वर्जेशन था हम सभी के लिए और समथिंग विच इज़ ऑलवेज ग्रेट टू कीप कमिंग बैक, बिकॉज यहाँ आने के बाद एक फिर से मोटिवेशन मिल जाता है कि आप अभी भी स्टूडेंट ही हैं, आप अभी भी सीख ही रहे हैं और होपफुली जब तक हम जिंदा रहेंगे हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। अभी आप लोगों का स्टार्स बन गए, कोई फैन, कोई फैन कॉन्ट्रैक्ट आपने हाँ। सबसे स्वीट चीज क्या की है अभी धड़क के बाद? यार स्टूडेंट स्टार्स, हां हम नहीं, हम स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट स्टार्स। तो स्टूडेंट्स को तारीफ करने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या की है किसी फैन? एनी फैन इंटरेक्शन? कांट पिक एंड चूज मैम, मुझे लगता है कि कभी कभार वो छोटी छोटी चीज़ें कह देते हैं जिससे दिल भर आता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो बार बार फिल्म देखने जाते हैं हमारे लिए, उनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। मैं भले वो फिल्म डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको क्या कहते हैं मॉडरेट करने आऊंगा। Sorry, we should answer. Sorry, what was your question before? Before it was like, how overwhelmed were you with the response that you got? And second question was, what is next? What's next? Oh, what's next? I don't know what's next. hopefully many things will be next. But yeah, the love. क्या आप कहना चाह रही हैं? आपको कोई offers नहीं आया? Why couldn't I like doing this. I can be on the other side, sir. I don't worry, मैं आपका काम करता हूँ। क्या आप ऐसा कहना चाह रही हैं आपको अभी तक कोई ऑफर्स नहीं आए? नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कह रही। तो आप बता नहीं सकते? नहीं जी, नहीं, मैं नहीं बता सकती। ओके ईशान, एनीथिंग? वेल होपफुली अ फिल्म सून, बट देयर इज नथिंग दैट आई कैन टॉक अबाउट जस्ट येट। एंड इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग, इट वाज द आई थिंक इट स्टिल इज, यू नो, टू दिस डेट आई एम गेटिंग मैसेजेस एंड कॉल्स एंड पीपल आर लविंग द फिल्म एंड आई रियली होप दैट इट विल बी अ मेमोरेबल वन। सो वी हैव अ थीम सॉन्ग दैट प्लेड एट द एंड ऑफ द सेशन व्हिच आवर स्कूल ऑफ म्यूजिक स्टूडेंट्स हैव कंपोज्ड and very sweetly Janvi was humming it and she changed the lyrics to, yeah. So can you just say that too much of love it we sing so but the actual part. Lyrics are what? do what you love. I've made it too much of love in Muslims because we've gotten so much or I think also honestly sir abhi tak actually agar dekha jaye aisa lag raha hai ki humne Dhadak pichle saal shoot ki thi par ye jo release ko abhi tak sirf 3 hafte bhi nahi hue hain to hum chal hi rahe hai hamara to I think inke liye bhi it's too early ki पूरा रिफ्लेक्शन करने के लिए ये बहुत क्या हो रहा है आगे क्या होगा, बिकॉज आई थिंक हम लोग अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तारीफ़ें मिली हैं, जो क्रिटिसिज्म मिला है, वो सब हम इनफैक्ट हम काफ़ी डिस्कस करते हैं ताकि हम और बेहतर हों, अगली फिल्म में हम और अच्छा काम करें। तो आई थिंक अभी तक वो जर्नी अभी तक वही चल रहा है। तो आई डोंट थिंक सो, मेरी जर्नी तो अभी तक मैं हम यहाँ आ रहे थे विस्लिंग वुड्स और रास्ते में मैं ये बता रही थी इन दोनों को कि ऐसे लग रहा है कि हम, क्योंकि हमारी फिल्म में मेरी जो कोठी थी पार्थवी की कोठी, वो सेट यहाँ फिल्म सिटी में लगा हुआ था। तो फिर मैं बता रही थी कि ऐसे लग रहा है कि मैं वापस कोठी पे आ रही हूँ शूट करने। अगर हमने उन्हें यहाँ पर जबरदस्ती नहीं लाया होता तो वो चली गई होती। जी हाँ, मैं कॉलेज कभी नहीं गई। तो पहली बार था ना मतलब, लेकिन पहली बार है जी देखे। लेकिन इसमें कोई खराबी नहीं है, मुझे लगता है कि आप चाहे प्रोफेशनल एक्टर बन जाएं लेकिन सीखना हमेशा चाहिए। और अगर मुझे मौका मिले तो मैं आना चाहूँगा, स्क्रीनिंग्स देखना चाहूँगा फिल्मों की और डिस्कशंस में बैठना चाहूँगा। मुझे इतना कुछ फासला नहीं लगा मेरे में और स्टूडेंट्स में, मैं अभी भी मानता हूँ कि हम सब स्टूडेंट्स ही हैं फिल्मों के। और एक्चुअली आप जब फिल्म स्कूल वापस आते हैं रियलाइज करते हैं कि कितनी नई नई चीज़ें आ रही हैं। इनफैक्ट जब हम मैं जानता हूँ, मैं क्लोजली एसोसिएटेड हूँ
यहाँ का जो वी आर लैब है जो है वो इनफैक्ट वन ऑफ द दे आर द पायनियर्स इन द कंट्री. वो जो काम कर रहे हैं इनफैक्ट हाल ही में मैंने एक इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफ देखा था कि आमिर खान साहब आए हुए थे और वो वी आर को एक्सप्लोर कर रहे थे. हम सब कोशिश कर रहे हैं, हम सब जानना चाहते हैं नॉट जस्ट एज स्टूडेंट्स बट एज सिनेमा वॉचर्स की फ्यूचर क्या होने वाला है, कि हम जो स्टोरीज कहना चाहते हैं वो कौन से माध्यम से कह पाएंगे. तो आई थिंक जब हम ऐसे इंस्टीट्यूट में वापस आते हैं और वी आर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, मतलब मैं जो चैतन्य जी हैं जो उसको हेड कर रहे हैं, मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, वो मुझे बता रहा था तुम थोड़ा अपना स्टोरी टेलिंग चेंज करो, सोचो तुम वी आर में क्या कर सकते हो. एंड मैं उनको कह रहा था कि आई वुड लाइक टू कम एंड सी अ फिल्म विच इज़ फिक्शन एंड विच इज़ ऑन वी आर, ताकि मेरा भी एक नज़रिया बदले और मैं भी कुछ सोच सकूँ आगे के लिए. How do you, like, everyone says they don't give importance to trolls, you know, but how do you react to online trolls? Abhi recently Meera Rajput was seen in an ad and online, you know, she, when she posted the ad, she was, like, lot of negative comments came in and people are saying that why is she doing an ad, anti-Asian ad. So how do you see this whole concept of trolling, online trolling? Aap kaise react? Well, I have an opinion on it. I won't want to expand too much on this, but I do feel like there's a lot of frustration. There are a lot of people who are overly judgmental on the internet. But having said that, everyone has the right to their opinion. For me, what's important is to be inspired and to keep moving forward and to grow as an artist and as a person. And I don't find negativity helpful in that. So I try and keep myself away from it. Sometimes I find it amusing too. But yeah, try some of it is funny. Some of it is actually genuinely funny. But unfortunately, the larger part of it is humorless and, you know, falls flat. So just let it smear under the carpet. A lot of it is like giving a kid a pencil and a blank paper and they keep scribbling. Yeah. You decipher karne ki koshish karte ho ki ye triangle or line jo saath mein banaya hai uska kya matlab hai. I think trolling is like that because some of it is just meaningless. Yeah, but I do think that we should discourage this kind of negativity on social media instead of, you know, we paying heed to, there's, you know, I don't know, for some reason negativity gets a lot of traction even within the media. Discourage it in life only. Yeah. Try and stay as positive as well. Yeah. Thank you. Sorry, ma'am. Sorry. Next time. Thank you, guys.